ये डेली फ्रेश फिश सुबह लाते हो? डेली फ्रेश फिश मुझे कुछ पसंद नहीं है बाजार खाने में। बाजार का गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अक्षय साई। होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो लोकल गोवा सीरीज आज हम डे 4 है गोवा का एंड मैं अभी हूँ सियोलिम में। ये व्लॉग आज का मैं आप स्पेशली कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गोवा में जाने के बाद ऑथेंटिक गोवन फूड, मतलब जो गोवन फैमिलीज का जो फूड होता है वो कहाँ पे मिलेगा, अच्छा घर का फूड कहाँ पे मिलेगा, लाइक फिश हो गया, थालीज हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, ये कहाँ पे मिलेगी। जैसे बाकी बागा एरिया हो गया या फिर जो बीच एरिया है वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे गोवन ऑथेंटिक गोवन रेस्टोरेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक प्लेस पे जो कि है मोरजिम में। वहाँ पे एक गोवन फैमिली एक रेस्टोरेंट रन करती है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी गोवन फूड मिलता है। तो हमारे साथ अनग है, अनग का एक पेज है यहाँ पे, इसका नाम है वेयर गोवा ड्रिंक्स, जहाँ पे गोवन ये दिखाते हो ना, क्या दिखाते हो उसमें? गोवा के लोकल बार। और दूसरा पेज भी है हमारा, सो दैट इज कॉल्ड बरीला बांगड़ो, सो वेयर वी शोकेस ऑल द लोकल एंड ट्रेडिशनल गोवन फूड। तो अभी हम सियोलिम में हैं, तो सियोलिम के बारे में कुछ बता सकते हो? सो बेसिकली सियोलिम हमारा नॉर्थ साइड में ही पड़ता है बट एक्सट्रीम नॉर्थ को पड़ता है। सो बेसिकली इधर से सब जगह नज़दीक है, एग्जांपल लाइक मोरजिम, मानरेम, सो अदर स्टेट्स, केरिम। सो और ये बेसिकली सियोलिम में फिशिंग बहुत फेमस है। और यहाँ पे मतलब इस एरिया में जैसे गोवा में हमेशा शूटिंग चलती रहती है, एक फेमस सो सिंगम रिटर्न्स, हाँ सिंगम रिटर्न का शूटिंग इधर ही हुआ था। सो उधर आपने देखा था वो पैसे का गाड़ी पानी में गिर जाता है, सो उस साइड शूटिंग हुआ था। सो अभी चलते हैं हमारा लोकेशन। हाँ यस। तो हम फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं, स्मोक फिश कैफे मोरजिम। और हमारे साथ ओनर है, उनकी पूरी फैमिली है। जैसे मैंने बताया था ये रेस्टोरेंट पूरी फैमिली मिलकर रन करती है, ऑथेंटिक गोवन फूड विद ऑथेंटिक गोवन फैमिली। सो एग्जैक्टली एड्रेस क्या है इसका? कन्नाईवाड़ा मोरजिम पेने ओके। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको परेशानी ना हो, आप गूगल लिंक डाल दीजिए, डायरेक्टली पहुंच जाओगे। तो सर पूरा फैमिली मिलके ये बिजनेस करते हैं? सब हम फैमिली मिलके। ओके। मैं फ्राइड फिश करता, ये सब करी, सब्जी, चाय, ये पराठा, रोटी सब बनाता है। और राहुल? राहुल सब चिकन, चिकन और कॉन्टिनेंटल। तो राहुल इनका बेटा है जो अभी बिजी है प्रिपरेशन में, क्योंकि जैसे ही गेस्ट आते रहते हैं, रिव्यू के सर ने हमारे लिए टाइम निकाला इतना, इट्स रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू सर, थैंक्स अ लॉट। स्कूल देखो बोलता है। ओके। और उसमें मैं रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन की पेस्ट, होममेड पेस्ट बना के ये करती हूँ, और टैमरिन और लेमन, लेमन हाँ उसमें सब मिक्स करके मैं बना के रखती हूँ। ओके, बना के रखती। उसको रवे में, इसमें रवा ये करके लोगों के सूजी का। ये फिश आप कहाँ से लाते हो, कौन से मार्केट से लाते हो? इधर सियोलिम से, नहीं तो मोरजिम से। ओके। तो ये डेली फ्रेश फिश सुबह लाते हो? डेली फ्रेश फिश मुझे कुछ पसंद नहीं है बाजार खाने में। बाजार का मैं खुद लाया तो मैं उसके ऊपर चिल्लाती हूँ, दोनों के ऊपर। राइट राइट राइट। तो आप फ्रेश जाके लाते हो? हाँ फ्रेश, वो राहुल और उसका डैडी लेके आता है। ओके। Thank you.
इसके रवा फ्राई करने का रीजन मसाला फ्राई में तो पूरा मसाला ही आता है और इसमें तो थोड़ा क्रंच रहता है। सो ये आ गया अपना लेफो फिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल फिश एंड इसको किया है रवा फ्राई। अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिश ट्राई कर रहे हैं तो सोल फिश में बीच में एक ये होता है, काटा होता है, बाकी तो टेस्ट में मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। क्वाइट गुड। तो ये रवा फ्राई और जो मसाला है उसका ब्लेंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो और एक अलग फिश जो हम ट्राई कर रहे हैं जिसका नाम है वेल्यो, इसको इंग्लिश में बोला था सिल्वर फिश। ये अलग फिश ट्राई करने का रीज़न ये है कि गोवा में ये बनाने का टेक्निक बहुत यूनिक है। ये फिश पुणे मुंबई ऐसे जगह पे नहीं मिलते। जब आप गोवा में आ रहे हो तो गोवन जो लोकल लोग खाते हैं वो फिश हम ट्राई करना चाहते थे, इसलिए हमने ये ऑर्डर किया है और ये आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि किंग फिश, प्रॉन्स, सुरमई ये सारी चीज़ें आप सिटी में खाते हो, हर पूरे इंडिया में मिलती है, पर ये सिर्फ गोवा में मिलेगी, तो ये ज़रूर ट्राई करना। एंड दिस फिश इज़ वेरी स्मॉल इन साइज और इसको भी रवा फ्राई ही बोला था हमने क्योंकि रवा फ्राई में काफ़ी फिश अच्छे लगते हैं एज़ पर द ओनर्स। एंड इसको हम ट्राई कर रहे हैं अभी, तो इसमें भी कांटे नहीं है, छोटे से है बस। क्वाइट गुड एंड टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका। आप पूरा भी खा सकते हो, बोन्स इतने लगते नहीं ऐसे। जैसे कि मेरे मम्मी पापा सब फिश का वगैरह देखते हैं, गोवन फूड वगैरह, और बाकी सब चाइनीज कॉन्टी इंडियन मैं देखता हूँ। ओके, चाइनीज कॉन्टिनेंटल इंडियन आप देखते हो? हाँ, ये आपका स्पेशलिटी है? ये मेरा स्पेशलिटी है। तो अभी हम क्या बना रहे हैं? अभी हम चिकन चिली ड्राई बना रहे हैं। चिकन चिली ड्राई, ओके, तो देखते हैं अभी चिकन चिली ड्राई कैसे बनती है। So how's the taste? Taste kaisa hai? Acha hai? Very good. Yes. Great. So अभी हम इनका स्पेशलिटी ट्राई कर रहे हैं, मैकरल फ्राई, बांगड़ा फ्राई। तो ये देखो, इसको भी हमने रवा फ्राई में ही बोला था। तो काफ़ी डिलिशियस स्मेल आ रहा है इसमें, अरोमा जो है मसाला का काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम इसको अभी ट्राई करने वाले हैं। तो ये देखिए मैकरल फ्राई, हियर इट इज बांगड़ा फ्राई। तो हम इसको खाने वाले हैं अभी। या तो हमारे साथ रंजीता मैम है। तो मैम अभी ये चार अलग टाइप के फिश खा लिए, तो इसमें मतलब ये गोवन थाली इतना बड़ा फुल रहता है, तो क्या क्या होता है इसमें एग्जैक्टली? ये सब्जी वेज है, तुरई का, ये ये फिश करी है, प्रॉन्स करी विथ लेडी फिंगर डाल के, ये ड्राई प्रॉन्स का ये है, ड्राई प्रॉन्स है, ये सॉल्कड़ी कोकम का, हाँ, डाइजेशन के लिए, और ये क्लैम्प है, क्लैम्प। इसमें साथ राइस और पॉम्पलेट थाली है, अचार और अचार और सलाद, सलाद ये कंपलसरी है, पूरा पूरा ये कंपलसरी रहेगा। ये प्रॉन्स थाली, प्रॉन्स थाली, ओके, ये कौन सी थाली है? किंगफिश थाली, किंगफिश थाली, और ये लेफो फ्राई। तो एक चीज आज यूनिक पता चली, ये है कि गोवन थाली अगर आपको चाहिए एक स्पेशल वाली, तो उसमें वेज होता ही है, एक सब्जी होती है, वेज सब्जी होती है, ये पूरा भरा हुआ प्लेट रहता है एक पूरा, और लाइक फिश करी आपका पेट है जिमी, जिमी, तो आओगे तो जिमी से भी जरूर मिलना। तो मुझे पेट्स बहुत पसंद है एंड क्वाइट गुड।
ये है गोवन थाली, तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, हम इसको ट्राई करते हैं अभी। आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई इट। बोलो किंग फिश थाली, देख कैसा क्यूट है। आज तक का बेस्ट गोवन फूड मैंने ट्राई किया है, मतलब मैं अभी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये एड्रेस मिल गया, एंड जब आप सबके लिए भी ये प्लेस हाईली रिकमेंडेबल है। गोवन डेलिकेसीज है, जो गोवन डिश है वो मिल गया आज। नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये तो आपको पता ही है, बट यहाँ पर जरूर विजिट करना है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।